हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कन्या उत्थान योजना के बारे में बात करेंगे, जो कि 18 से 21 सेशन का फॉर्म फिलअप हो रहा है अभी। कन्या उत्थान योजना का फॉर्म 28 जनवरी से फिल हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रहा था। स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रहा था कि उनका मार्कशीट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मैच नहीं कर रहा था और फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा था। उसका मेन कारण ये था कि यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट मार्कशीट लेकर आए थे, उनका जो मार्कशीट नंबर था ऑनलाइन वाले मार्कशीट नंबर वाला ही था, जिस वजह से मार्कशीट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मैच नहीं कर रहा था। लेकिन जब स्टूडेंट कॉलेज से मार्कशीट लेकर आए और रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो अब उनका रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसीड कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी भी बहुत स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो अब आप ये करके जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्कशीट नंबर और फादर्स नेम डालेंगे, तो उससे पहले आप स्पेस दे दीजिएगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसीड कर पाएगा। अब आप लोग ये भी जानते होंगे कि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है वो 28 फरवरी तक ही है, और ये बार बार पेपर में इसका अपडेट दिया जा रहा है कि 28 फरवरी इसका लास्ट डेट है। लेकिन अभी भी जिस स्टूडेंट का लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाया है, तो उनका वो तो यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी उनका अभी तक फाइनल लिस्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है। तो आज 22 फरवरी है, तो 28 फरवरी तक ही लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। तो मे बी हो सकता है कि मे बी नहीं, कन्फर्म ही है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आगे एक्सीड किया जाए, और एक्सीड किया जाएगा तभी वो लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अभी भी पेपर में दिया जा रहा है कि बहुत कम स्टूडेंट ही, मतलब जितना स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए हैं, उनका 60-70% ही अभी तक फॉर्म फिलअप कर पाए हैं। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को इसका पता भी नहीं है कि कन्या उत्थान योजना का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि स्टूडेंट को पता चल सके कि फॉर्म फिलअप हो रहा है और वो रजिस्ट्रेशन कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।